भाइयों और बहनों, पहले चरण में जिस प्रकार झारखंड के लोग वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचे, भारी मात्रा में मतदान किया, उस प्रथम चरण के मतदान के लिए मैं झारखंड के उन मतदाताओं का भी अभिनंदन करता हूं, उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले चरण के मतदान से तीन बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली, लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के प्रति झारखंड के लोगों की आस्था अभूतपूर्व है। दूसरी बात, जिस प्रकार भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, उसे बहुत ही छोटे इलाके तक समेट दिया है, उससे डर का माहौल कम हुआ है, विकास का माहौल बना है। हालांकि 30 नवंबर को निराशा में डूबे लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्हें झारखंड की जनता नकार चुकी है, पहले चरण के मतदान के समय यहां माहौल खराब करने की बहुत कोशिश की। पूरे देश ने इसे देखा है, लेकिन झारखंड के लोगों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद तीसरी बात ये भी स्पष्ट हुई है कि झारखंड के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति, कमल के फूल के प्रति एक विश्वास की भावना है। ये भाव है कि झारखंड का विकास अगर कोई दल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यही भावना मुझे यहां खुट्टी में भी दिखाई दे रही है। साथियों, आज झारखंड के लोग ये देख रहे हैं कि दिल्ली और रांची में डबल इंजन लगाने से विकास की गति तेज भी होती है और स्थायी भी होती है। अर्जुन मुंडा जी ने सही कहा कि दिल्ली ने राज्य तक, गांव तक विकास को पहुंचाया और रांची की समय भाजपा सरकार ने उसे घर घर ले जाने के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया। और इसलिए यहां की जनता सहज रूप से कह रही है, सहज रूप से नारा बोला जा रहा है, झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा, झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा।